बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मेहराब हबीब, आप देख रहे हैं टीवी तमाशा। सुबह के 7 बज रहे हैं और उसमें मौजूद हूँ फैसलाबाद में फूड रिव्यू के लिए। जलंधरी भठूरे जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस है फैसलाबाद के, और इनकी कोई ब्रांच नहीं है। इस टाइम बाज़ार बंद है, कुछ नहीं किया। मेरी आंखों से, मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि मैं अपनी नींद हराम करके यहाँ पर आऊँ। कल मैं आया था तो ये ख़त्म हो चुके थे 8:30-9 बजे, तो मुझे वापस जाना पड़ा, और आज इसीलिए 7:30 मैं यहाँ मौजूद हूँ। जलंधरी भठूरे सबसे बड़ी 3 लाइनें अगर आप पढ़ लें, हमारी कोई शाख और नहीं है, ठीक है जी, मेन चीज़। उसके बाद सेकंड लाइन है, हमारा कोई शागिर्द भी नहीं है, किसी किस्म के ये फंक्शन भी नहीं करते कि हमें ऑर्डर पर बनाए जाते हैं, ये वो किए जाते हैं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अंकल नज़र नहीं आ रहे, अंकल अंदर गए, वो आते हैं उनसे बात करते हैं, पब्लिक से बात करें जो कि इंतज़ार करे भी भठूरे आए नहीं है। सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे आप? ठीक है, सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। आप टोपी पहन के, गला ढांप के किसके लिए आए हैं सुबह सुबह? ये सुबह सुबह भठूरे लेने के लिए, बच्चे फरमाइश करते हैं, छुट्टियाँ हो गई हैं इसलिए ज़्यादा दबाव है। अच्छा, इसलिए आ रहे हैं कि भटूरे खाएंगे आज। अपनी ख्वाहिश के लिए कभी सुबह उठे इस तरीके से कि नहीं? नहीं, अपनी ख्वाहिश के लिए कभी कभी ऐसे ही उठना पड़ता है जब मजबूरी होती है, नहीं तो आदमी सोता नमाज पढ़ के मज़े। हाँ मज़े। अच्छा, किस रैंक पे करते हैं भटूरों को, इनके अलावा कोई पाकिस्तान में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? नहीं, मैंने तो आज तक कहीं नहीं खाए। अच्छा जी। बाकी लोग कोशिश करते हैं लेकिन कभी इनका जायका नहीं बन सका आज तक। वो तो अंकल से बात करेंगे, जायका क्यों नहीं बनने देते ये। अंकल कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा। आप भी नींद में इस तरह मेरी तरह कोई इसमें कहाँ से आए आप? तो फैसलाबाद के फैसलाबाद से ही हैं। तो आप भी हफ्ते में कितने चक्कर लगाते हैं? तकरीबन हफ्ते में 1-2 लग ही जाते हैं चक्कर। हफ्ते में 1-2 लग जाते हैं। आपके कितने लगते हैं हफ्ते में चक्कर? 1-2 लग जाते हैं। इनकी भी देखिए आप फेस, जरा गौर करना, सब नींद में है, हम झूठ नहीं कह रहे, बाजार बंद है। आपके कितने फेरे लगते हैं हफ्ते में? 2 चक्कर लग जाते हैं। 2 चक्कर लग जाते हैं। रेट भी बड़ा मुनासिब है, 60 रुपये रेट ठीक है इनका, जिस हिसाब से क्वालिटी दे रहे हैं उस हिसाब से रेट इनका मुनासिब है। ये इसके अंदर देसी के अंदर आई थिंक कुछ चने शने हैं, चने इसके अंदर चने हैं, और ये कुछ और नहीं है। यहाँ पर सारा माल अंदर से आता है और यहीं से हैंड होकर निकल जाता है। अंकल से बात करते हैं यार, अगर आप देखें टेबल पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, सब अंदर कमरा नंबर 15 से आता है और यहीं से चला जाता है। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, दुआओं तो। अंकल ये अंदर कौन सा कारखाना है जहाँ से आता है और चीज़ चली जाती है? कार है। अरे तो ये मतलब कि बाहर क्यों नहीं लगाते आप? बाहर इस वास्ते नहीं लाते, पाए थोड़े को तरतीब नहीं रहती, फिर तरतीब नहीं रहती। रोज से कितना क्लाइंट आपके पास? पता नहीं, कभी गिने ही नहीं पाए, इतना टाइम ही नहीं साढ़े को होता। अच्छा, आपका चैलेंज है कि आपके साथ के भटूरे पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे, पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे? नहीं, मेरा साढ़ा कोई चैलेंज नहीं। अच्छा। असी अपने मुर्शिद की दुआ बरकत है साढ़े, बस कोई चैलेंज नहीं साढ़ा। कितना अरसा हो गया? बस ये तो कोई पता नहीं, अनलिमिटेड। साढ़े तो पहले फोर फादर भी सारे यही कुछ करते, मतलब कि पाकिस्तान बनने से पहले का ये काम शुरू है और ताहयात जारी है, कोई हिसाब किताब नहीं। दिन के कितने बिकते हैं मेरे रकम में, अगर आप देखें लोग इस तरह खड़े हैं जिस तरह यहाँ से सोने की कान निकली है। 10 बजे तक होंगे बस, सुबह 7 बजे आते हैं और 10 बजे तक एंड करके ये चले जाते हैं। भाई आप भी नींद हराम करके आए हुए अपनी भटूरों के लिए? जी। कभी स्कूल भी ऐसे गए उठ के? नहीं। इसी बात है, आप भी भाई भटूरों के लिए स्पेशल? भटूरों के लिए मज़े के? हाँ जी। इसके बाद फिर बोतल भी पीते हैं कि बस ऐसे इस पर? नहीं, इसके बाद बोतल की नहीं गुंजाइश रहती, बोतल गुंजाइश रहती। हाँ जी। इसके एक में फुल हो जाता है बंदा, या मिनिमम कितने खाने चाहिए? ये तो अपने पे है, लेकिन ये टेस्ट के हिसाब से जाए तो जितने मर्जी खाए जाते। आपने कितने खाए हैं आखिरी दफा पूरे भर के? 3-4-5 इन खा लेता हूँ बस। हाँ जी। मुझे आपको देख के लगा था कम से कम 12-15 तो होने चाहिए। नहीं, 12-15 कुछ और भी खाना होता है दिन में। ये सुबह इसके लिए उठना पड़ता है। यकीनन आपको जलंधरी भठूरों का रिव्यू देख कर मजा आया होगा। जब भी फैसलाबाद है, घंटाघर से थोड़ा सा आगे करके इसकी लोकेशन है, तो यहाँ पर आके विजिट करिए। बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़ा कोऑपरेटिव लोग हैं और बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। जब तक मुझे आज मेरा लास्ट डे, आज हफ्ते के दिन मैं वापस जा रहा हूँ इस्लामाबाद, मुझे बहुत मज़ा है यहाँ पर फूड रिव्यू करके। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर और टेस्ट का कोई जवाब नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के और भी शहर विजिट करेंगे, आपके लिए फूड रिव्यू लेकर आएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।